बड़ी खबर है, 27 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी की है तबादला सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 27 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके लिए तबादला सूची जारी कर दी है। आपको एक एक कर सारे नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ कहां पर किसको लगाया गया है, कहां पर किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है वो भी आपको बताएंगे। बस चंद और थोड़ा सा इंतजार, 27 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। तो देखिए, कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी कर दी है। इससे पहले भी अफसरों के तबादले हो चुके हैं, इस बार 27 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। तो देखिए, बेहद अहम ये तबादला सूची, जब से थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, बताएंगे कौन कौन से नाम इस सूची में शामिल हैं और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कहां पर कौन से अफसर को लगाया गया है, किस हिसाब से जिम्मेदारी उनको दी गई है, किस किस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और क्या कोई ऐसे भी हैं जिनको कोई प्रभार दिया ही नहीं गई है। डॉक्टर ऋतुराज पूरा विश्लेषण करेंगे सूची का। डॉक्टर ऋतुराज, 27 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, एक एक कर सभी नामों के बारे में बताइएगा, किसको कहां पर कौन सी जिम्मेदारी। देखिए, जो 27 आरएएस के तबादले हुए हैं वो एक तरह से पूरक या संशोधन सूची मालूम देती है जो पिछली सूचियां आरएएस की आई हैं। तो उनमें अब जैसे इस सूची में अगर बात करें तो 6 एडीएम बदले गए हैं और इनमें से नए जिले भी शामिल है, जैसे ब्यावर के एडीएम बदल गए, अनूपगढ़ के एडीएम बदल गए और 13 एसडीओ को इधर उधर किया गया है। तो ये दोनों जो है चुनाव की दृष्टि से बेहद अहम भूमिका में रहते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव की बात कही जाए तो ये स्पष्ट डायरेक्शन दिए गए हैं ईसीआई के द्वारा और उसके बाद निर्वाचन विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की है कि जितने भी निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं वो लगा दिए जाएं, क्योंकि एडीएम की भूमिका बहुत अहम रहती है उप जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। इसी तरह से अगर बात करें एसडीओ की तो वो आरओ के रूप में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इन चुनाव में। तो इनकी जहां जहां खाली पद है, अगर यदि खाली पद नहीं है और सरकार को ये लगता है कि एक के बदले दूसरा अनुभवी या योग्य अधिकारी वहां होना चाहिए तो वो अधिकारी यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सूची में मैं देख पा रहा हूँ उसमें जिला रसद अधिकारी भी बदले हैं, तो डीएसओ भी एक अहम पद माना जाता है जी। और बाकी जो तबादले हैं वो या तो एडजस्टमेंट के तबादले माने जाएंगे या फिर जो यूआईटी निकाय वगैरह के जो पद है उनकी दृष्टि से ये तबादले माने जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों की राय को खासा महत्व दिया गया है जी। और ये तबादले बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज जब बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व की राय को खासा तवज्जो इसमें दिया गया है, अपनी बात को पूरा करिएगा। है वो ये एसडीओ पर निर्भर है, यहाँ पर एसडीओ पर यहाँ पर फोकस किया गया है। मूलचंद जिनकी पोस्टिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के रूप में हुई थी, ऐसा मैंने ये कहा था कि क्या रजिस्ट्रार की प्रॉब्लम और हो गई है, क्योंकि नीलिमा तक्षक के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रार नहीं था, करीब करीब एक महीना हो गया था, लेकिन अब वहाँ पर रजिस्ट्रार लगाया गया था। लेकिन अब इस तबादले में मूलचंद को रजिस्ट्रार पर से ऐतिहासिक सुधार में भेज दिया गया है, जिसमें वो नया रजिस्ट्रार कालू राम के रूप में यहाँ पर सामने आ रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए। तो यह फिर एक बदलाव, इसका अर्थ यह भी है कि रजिस्ट्रार पद पर कोई या तो ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है अधिकारी और या फिर सरकार को कोई योग्य अधिकारी इस पद के लिए नहीं मिल पा रहा। खास तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रशासनिक ढांचा है उसके मुताबिक जो हाल के दिनों में अभी आंदोलन चल रहे हैं छात्र राजनीति के, छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर और प्रशासनिक तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और तमाम जो प्रशासनिक आदेश हैं वो रजिस्ट्रार जारी करता है, तो ऐसे में इस अहम पद पर बार बार ऐसी रस्साकशी देखने को मिल रही है। मुख्य बात ये सामने आ रही है कि जो अनूपगढ़ है, ब्यावर है, यहाँ पर एयरसेल तिजारा है, यहाँ पर हमको देखने में आ रहा है कि एडीएम यहाँ पर बदले जा रहे हैं। और ब्यावर की बात करें तो ब्यावर के एडीएम बार बार मतलब बदले गए हैं। अभी धीरेन्द्र सिंह थे एडीएम, अब इनकी जगह जो बजरंग सिंह है, डॉक्टर बजरंग सिंह, इनको लगाया गया है। इसी तरह से हम और बात करें इसमें
कि जो खाली पद जो अन्य जगहों पर थे या जहां एडजस्टमेंट किया जा रहा था वहां एडजस्टमेंट यहां पे किया गया। इसमें आता है संपदा विभाग का उप निदेशक का पद भी शामिल मान सकते हैं। इसी तरह से गंगानगर में जैसे नगर परिषद में जैसे बात कर रहा था कि जो नगर परिषद जो यूआईटी नगर निगम और जो शहरी विकास आदि से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें भरने पर रिक्त पद भरने या रिक्त पद नहीं भर के उसमें योग्य अधिकारी लगाने का फोकस रहता है। तो यहाँ पे रिक्त पद भरा गया है गंगानगर में लगाया गया है सुशीला शर्मा को। तो ये पूरी जो सूची है इसमें करीब करीब हम देख पा रहे हैं कि 5 से 10 नाम ऐसे हैं जहां रिक्त पदों को भरने की कोशिश की गई है। और जो पिछली सूचियां हैं उनमें जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए थे उनका एडजस्टमेंट यहां के देखा जा रहा है सूची में। तो संशोधन एडजस्टमेंट ये अलग सूची के रूप में एक सामने आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मिनिस्टर का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है, अतिरिक्त निदेशक बनाया गया, पहले इनका रजिस्ट्रार बना दिया गया था। इसी तरह से ब्यावर का एडीएम के रूप में मैंने बताया और भी जो कई नाम आ रहे हैं जो खास तौर पर एडजस्टमेंट के नाम यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भारत भूषण गोयल का यहाँ पर जो नगर विकास न्यास है उसमें विशेषाधिकारी भूमि पद पर तबादला किया गया है। इसी तरह से अगर और बिल्कुल बिल्कुल 27 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और विस्तार से आपने पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।